हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी कैरेट का केक बनाना बताती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे केक की रेसिपी कैसी लगी, और इसे अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम कढ़ाई में केक बनाने वाले हैं, तो इसके लिए देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है। ये मोटे पैदे की कढ़ाई होनी चाहिए, पतली रहेगी तो हमारा केक नीचे से जल जाएगा। इसमें एक है, मैंने ऐसे स्टैंड रख दिया है और इसे हम कवर करके प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जब तक हम केक की प्रिपरेशन करेंगे तब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट हो जाएगी। केक बनाने के लिए आप इस तरीके के केक टिन या इस तरीके का केक टिन या कुकर के डब्बे किसी का भी यूज कर सकते हैं। आज मैं इसमें केक बनाने वाली हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसको हम अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। मैं इसमें एक बटर पेपर डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसी के साइज का बटर पेपर काट लिया है, तो इस पे भी हम अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा डाल के और ऐसे डस्टिंग कर लीजिएगा, तो एक मैदे की कोटिंग हो जाती है जिससे केक नीचे से जलता नहीं है। तो हमारा केक टिन तैयार है। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी का मेजरमेंट लिया हुआ है। आप भी कोई भी एक टाइप की कटोरी, कप या फिर जो मेजरमेंट वाले कप आते हैं उसको ले सकते हैं। तो मैं इसमें डेढ़ कटोरी मैदा लूंगी। ये देखिए एक कटोरी और ये डेढ़ कटोरी। अब इसमें मैं चार बड़े चम्मच दूध पाउडर का डालूंगी। ये देखिए जो मेजरमेंट वाला चम्मच होता है, इसमें का ये मैं बड़ा वाला स्पून ली हुई हूं, तो इससे हम चार चम्मच इसमें दूध पाउडर डालेंगे। तीन और ये चार, देखिए चार चम्मच मैंने इसमें दूध पाउडर डाल दिया है। इसमें हम दही या कंडेंस मिल्क किसी का भी यूज नहीं करेंगे, हम इसमें बस दूध पाउडर और दूध से बनाएंगे। अब मैं इसमें डेढ़ चम्मच, ये देखिए डेढ़ चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। जो ये हमारे स्पून वाला सेट रहता है, इसका जो ये थर्ड नंबर वाला स्पून रहता है, मैं उससे बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये देखिए एक चम्मच और ये आधा चम्मच, और इसी स्पून से मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का यूज करूंगी। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, ये देखिए 1/4 मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा डालेंगे तो हमारा केक फट जाता है। इन सबको अच्छे से दो से तीन बार छान लेना है। देखिए फ्रेंड, हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार है, तो हम इसको साइड में कर दूंगी। अब मैं एक दूसरा बर्तन लूंगी जिसमें हम अपना वेट वाला इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें लिया है, देखिए इसी कटोरी से मैं 3/4 कटोरी पीसी हुई शुगर लूंगी। 1/3 कटोरी हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई अपना टेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मस्टर्ड ऑयल या तिल्ली का तेल ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे, आप बटर या ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1/4 कटोरी ऑयल डालूंगी और इन सबको मैं अच्छे से बीट करूंगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है हल्का फ्लफी होने तक। ये देखिए हमारा शुगर और ऑयल का जो है वो अच्छे से फिट गया है। अब मैं इसमें एक कटोरी दूध डालूंगी। ये हल्का कुनकुना दूध है, एकदम ठंडा या बहुत गर्म दूध नहीं लेना है, हल्का कुनकुना दूध लेना है। और इसको हम फिर सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें कुछ बूंदे वनीला एसेंस की डालूंगी। चार से पांच बूंदे हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। अब इन सब चीजों को हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे, और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें अपना मैदा का जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हमारा वो डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा डालना है और एकदम हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसको करेंगे।
क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा यदि हम इसको जोर जोर से फेटेंगे तो उसका असर इसमें कम हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से पूरा इंग्रेडिएंट्स डालना है और इसको मिक्स करना है। देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है जो केक का बैटर है। यदि आपको गाढ़ा लगेगा आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 स्पून। अब हम क्योंकि कैरेट केक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी कैरेट लिया हुआ, इसको एकदम बारीक वाली किसनी से मैंने किस लिया है। तो अब हम इसको इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। केक के बैटर को पतला नहीं करना है क्योंकि गाजर भी पानी छोड़ता है, इसलिए इसके बैटर को थोड़ा सा हम ठीक ही रखेंगे। देखिए हमारे केक की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, ना तो बहुत ठीक होना चाहिए ना ही एकदम ऐसे पतला होना चाहिए, क्योंकि ये कैरेट है तो वो भी इसमें पानी छोड़ेगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर डालूंगी। बस अब हमें इसे मिक्स करना है और टिन में डाल के कढ़ाई में पकने के लिए रख देना है। देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसको केक टिन में डाल दूंगी और इसके बाद हम इसको कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देंगे। हम इसे 35 से 40 मिनट बेक करेंगे। इसके पहले हमें कढ़ाई का ढक्कन जो हमने लगाया है वो नहीं हटाना है, यदि हम हटाएंगे तो हमारा केक फूलेगा नहीं, बैठ जाएगा। तो कढ़ाई में रखने से पहले इसको थोड़ा सा टैप करना है ताकि इसमें जो बबल्स हों वो निकल जाएंगे। अब मैं कढ़ाई का ढक्कन खोल रही हूँ और इसको उसमें रख दूंगा। देखिए हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो गई है। अब इसको हम ढक के 35 से 40 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम में पकने देंगे। गैस की फ्लो एक फ्लेम एकदम ही स्लो रखना है, जो आपका सबसे स्लो वाला बर्नर हो आप उस पर रखिए। और 30 मिनट के बाद हम इसको खोल के एक बार चेक करेंगे। फ्रेंड देखिए 35 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम इसको खोल के चेक करते हैं कि हमारा केक पक गया है कि नहीं। ये बहुत गर्म होगा इसलिए आप इसे बहुत सावधानी से खोलिएगा। मैं यहाँ पे ये ऐसा सलाई वाला स्टिक इसमें डाल रही हूँ, आपके पास ये नहीं होता आप टूथपिक डाल के इसमें देख सकते हैं। देखिए ऊपर से तो पका दिख रहा है, अंदर से भी ऑलमोस्ट हो गया है, पर मैं इसे 5 मिनट और बेक करूंगी। इसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फ्रेंड देखिए 5 मिनट और हो गया है, अब मैं इसमें स्टिक डाल के देखती हूँ। ये देखिए ये एकदम क्लीन बाहर आ रही है, यानी कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब हम इसको इसमें से डीमोल्ड करेंगे। फ्रेंड देखिए केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं। तो डीमोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया हुआ है, हम ऐसे केक टिन के ऊपर इसको डालेंगे और पीछे से हल्का हल्का इसको ऐसे टैप करेंगे। उससे क्या है ये ऑटोमेटिक इसमें से निकल आता है। यदि नहीं निकले तो आप थोड़ा सा चाकू से ऐसे साइड से इसे निकाल लीजिए, फिर इसके बाद इसमें हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड कितनी आसानी से ये बाहर आ गया है। अब इसके पीछे जो हमने पेपर लगाया हुआ था उसको हम निकाल देंगे। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है एकदम, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। देखिए ये कितना स्पॉन्जी बना है, मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। अंदर से भी ये उतने ही सॉफ्ट और फ्लफी है एकदम। फ्रेंड कैरेट तो बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ये। तो फ्रेंड आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा